वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जन्म कथा बाबा नन्द सिंह जी की। कीर्तन करने की परंपरा। सिख धर्म में कीर्तन का भाव है गुरुबानी गाना। गुरुबानी गाओ भाई, हो सफल सदा सुखदाई। कीर्तन करने के लिए चाहे बड़े बड़े साज सहायता करते हैं, पर यह उतने ज़रूरी नहीं जितने कि प्रेम, प्यार, श्रद्धा और नम्रता की आवश्यकता है। श्रद्धा और प्यार वाला कीर्तन एक जादू का काम करता है। धन गुरु नानक। और मन को लीव के मंडोले में उड़ा लगा देता है। कीर्तन की महिमा बेअंत है। जिस बारे गुरुबाणी में अनेकों कल्पनाएं दर्शित है। कीर्तन निर्मोलक हीरा, आद गुनी गहीरा। जैसे लकड़ी को काटना हो तो आरी की जरूरत है, लोहे को काटने के लिए लोहे वाली आरी की जरूरत है, पर अगर हीरो को काटना हो तो हीरो की ही जरूरत है। हीरो में अगर छेद करना हो तो किसी और धातु के साथ नहीं, हीरे के साथ ही किया जा सकता है। साहेब भी बाणी के अंदर फरमाते हैं, हीरे हीरा बेदिया, नानक कंठ सुभाई। इसी तरह आदमी का जो मन है इसको भी हीरो ही हीरा ही बताया बताया जाता है। मन मानक रत्न मही गुहे। मानक का भाव है हीरा, और इस मन रूपी हीरे को बेचने की आवश्यकता है। कीर्तन रूप हीरे से कीर्तन रूप हीरा मन रूप हीरे के अंदर छेद कर सकते हैं। इसलिए कलयुग में कीर्तन प्रधान है। गुरुमुख जपिए लाई धियाना, हर कीर्तन सुने हर कीर्तन गावे। तिस जन दुख निकट नहीं आवे, अमृत रस हर कीर्तनों को विरला पीवे। कलयुग में कीर्तन प्रधान, गुरुमुख जपिए लाई ध्यान। हर कीर्तन सुने हर कीर्तन गावे, जिस जन दुख निकट नहीं आवे। अमृत रस हर कीर्तन को विरला पावे। धन धन बाबा नन्द सिंह जी उन विरलों में थे जिनके लिए कीर्तन भोजन चूरा था। इसलिए वे नित्य के कार्य में कीर्तन को महान स्थान देते थे। 1924 में बागा की वापसी उपरांत पक्की मर्यादा कीर्तन की बनाई। इससे पहले कोई प्रेमी या प्रधान आ जाता, चाहे कोई कम शिक्षित या कोई पेशावर रागी बाबा रबाबी को कोई संगी ले आते, तो बाबा जी उसे कीर्तन सुनकर बहुत प्रसन्न होते थे। धन गुरु नानक। भाई ज्ञान सिंह, जीवन सिंह, बागा वालों ने पहले पहले हाजिरी भरनी शुरू की थी। बागा गांव से बाबा जी का बहुत प्रेम था, और उस गांव को वर भी देते थे। बागा वाले शायद इस करके इस गांव के हर घर में एक आदमी रागी था। पार्टी जरूरी था और इनकी बाबा जी को खास आवश्यकता थी। इनके अतिरिक्त बागा गुरुद्वारे के ग्रंथी भाई सुखा सिंह और साथ ही प्रेम चौधरी हजूर राम ने भी कीर्तन की हाजिरियां भरनी शुरू की। फिर मदियाने में जब लाला लाला चंद सफेदे के बाग में कुछ दिन ठहरे तो कालू सिंह और लाला सिंह टही राय, जो अभी लड़के ही थे, कभी कभी आकर शब्द पढ़ते थे।
इनके साथ भाई हिम्मत सिंह जो भी आने लगे। फिर फिरोजपुर छावनी में रहते समय संत जवन सिंह जी कीर्तन सुनाया करते थे। भाई हीरा सिंह, भारा सिंह, फुरके वाले के प्रसिद्ध कीर्तन जत्ते ने भी बागा में आकर और एक समय हड़पड़ में जाकर हाजिरी भरी। एव और भी कई जत्थे हाजिरियां भरा करते थे। बाबा जी शुद्ध कीर्तन जो अहं से रहित होकर करता, चाहे कोई भी हो उसको प्रसन्न करते थे। बेशक सीध साध ही हो पर श्रद्धा और प्रेम भावना हो। कहते थे कि एक कीर्तनिया घुमा कर बुलाया बुलाते हैं और एक सीधी आवाज लगाते हैं। इस बात से कोई अंदाज न लगा ले कि बाबा जी राग विद्या से वाकिफ नहीं थे। बाबा जी जैसे श्रोत्र और कौन होगा। बाबा जी तो तकड़ी में तोलते थे। धन गुरु नानक, धन बाबा नंद सिंह जी। कोई चाहे कितनी भी गलतियां करे, चाहे वह तबले वाला हो चाहे कीर्तन वाला हो, जट रोको देते थे। और जो कोई विधान रागी राग का महिरा आ गया तो उसको भी सुनते, और अगर कोई गलती होती तो सीधे रास्ते डालते। और जब बाबा जी द्वारा परीक्षिता चाहे संसार की किसी कोने में या किसी सभा में हो, मद नहीं खाई में गए, मार नहीं खाई, जैसे कि संत सुजान सिंह जी, वे ज्यादा सीधे कीर्तन करते थे। पर सीधे कीर्तन में ऐसा जलवा दिखा जाते कि अगर किसी विद्वान के कानों आवाज पड़ती तो वह भी अचंभव हो जाता। बेशक आज भी कोई उनको कैसेट सुनाकर देख लो। धन गुरु नानक। बाबा जी के पास कोई रागी सिद्ध कीर्तन करते तो समय बहुत सुहावना बन जाता। अगर मन में अहम आ जाता तो झट बाबा जी वहां रोक देना। एक बार बाबा जी देहरादून में थे और रागी भाई संत सिंह मुख्य रागी को किसी कारण बाहर निकाल दिया। भाई पाकर सिंह काओ के वाले आगे न हो, मन में यह धारणा हुई कि हम तो अनपढ़ है। तो बाबा जी फरमाने लगे, भाई अनपढ़ों को ही रखो, उनमें अह न ह तो नहीं आता। गर्म जोश का वचन सुनकर उसी तरह कीर्तन में बैठ गए, सिरंध रख लिए और अपनी बुद्धि अनुसार कीर्तन किया। बताते हैं कि बाबा जी की कृपा से बहुत आनंद आया। बाबा जी ज्यादातर उन शब्द का ही कीर्तन सुनते जो गुरु के साथ जोड़े और संसार से तोड़े, क्योंकि जब तक दुनिया से मन न तोड़े उतने समय तक परमात्मा से जुड़ नहीं सकते। सूफी फकीर साहिब बुल्ले शाह एक दिन पनीरी ला रहे थे और एक जिज्ञासु अनेके दर्शन करने आ गया। अब प्रसन्न करने लगा, जी परमात्मा को कैसे प्राप्त करते हैं? तो बुल्ले शाह काम करते हुए ही अपने अंदाज में परमात्मा का जवाब देकर समझाते गए। एक हाथ से एक तरफ पौधा उखाड़ा और दूसरी तरफ लगाया और कहने लगे, बुल्लिया रब दा की पौना, इधरों पुटना ते उधरों लौना। भाव यह है कि दुनिया से मन हटा लो और परमात्मा में लगा लो, परमात्मा मिल जाएगा। प्रिय बाबा जी स्तुति के वैराग के अरदास के भेरे के शब्द सुनते, खुशी के शब्द तो केवल अवसरों या उत्सव पर ही बढ़ाया करते थे। स्तुति भाव सिर्फ सालाह का सिख धर्म में सर्वोत्तम दर्जा है। जिसनो बख्शे सिफत सालाह,
नानक पातशाही पातशाह, गुरु शब्द सलाये हो मैं विच खोई, मन मेरे करते नो सलाही, सबे छड़ी सियान पा, गुरु की पैर पाही, सास सास नानक आराधे, आठ पहर गुन गावा, बिन उपमा जगदीश की बिन से न धायरा, गुन गावत तेरी उतरिस मेले, वडियाई वड्डा पाईया, हर रोज अमृत समय आसी दीवार के 6 श्लोक पढ़ते जाते, क्योंकि बाबा जी फरमाते थे कि आशा की वार की सारी बानी स्तुति, उपदेश या अरदास की बानी नहीं, काफी हिर्स पखंड एव और रसों के खंडन संबोधित है। इसलिए नित नेम के तौर पर केवल 6 श्लोक पढ़ते थे, बाकी समय स्तुति की बानी गाई जाती थी। एक तू ही निरंकार बाबा, तू ही निरंकार की धुनी खास तौर पर प्रसन्न किया करते थे। इस नाम हम जेर जिमी वाले शब्द को भी पढ़ा जाता, जिसके पद के अंत में एक तू ही आता है। गुना पक्ष के तारण शब्द चरणों के सहर ऊपर, देव पाहन तरियले, लाखों पापिनु तारण वालिया, हर जी तेरा नाम उज्जला, मैं मन तेरी टेक मेर प्यारे, एक तकिया भरोस तेरे चरण दा, होर शब्द दा ही देरिया, तेरी उपमा तो ही बनिया वा। ये सभी वाहिगुरु जी की स्तुति वाले शब्द हैं। मन मेरे करते नो साला ही, साहिस सास नानक आराधे, आठ पहर गुन गाओ मेरे, बिन उपमा जगदीश की बिन से, गुन गावत तेरी उत्तम मेले, गुन गोबिंद मायो नहीं जन्म आकाश किन। संसार के हर धर्म में, जैसे कि ईसाई मुसलमानों के धर्म में, स्तुति बड़ी उत्तम क्रिया समझी जाती है। गजलों के पुष्टों में जिसकी व्याख्या बाबा जी किया करते थे, उसके अराबित शब्द है, दीदियानु दे रस दीदारदा, यह गजल जो कि भजन तेरा दी सिख असाणु, विच शरीर लियाई मेरे माही, नहीं ता इथे आवण दी सणु, हर गिज लोड न कोई राम दुहाई, और मन बेराग बइया दर्शन देखन का चाओ, मैंने अपना बना लो गोला धन गुरु नानक जी, एक कविता दिखा दे वसता अपना, वो ही तस्वीर गुरु नानक, पलट जाए उसी सूरत मेरी तकदीर गुरु नानक, लाखों गेड़ 84 पड़ी गले में मेरी फांसी, खालसी है तेरा हाथों कोटो जंजीर गुरु नानक, नहीं खाली गया कोई छुआ जो तेरा दमन से, उसी बेद का बेद हूँ दम नगरी गुरु नानक जी,
दिनों दान अच्छो को ना अच्छा हूँ, पर दे लेकिन पला दे भूमिया खासा, मुझे भी सर गुरु नानक, एक गुरु नानक। एक गजल, अखा विच सफेदी आई, वेख दी राह तेरा, गोया कमले चैन न पावण, किहा ना मम मेरा। बेबे नानकी की छंद जो हर पूर्णिमाशी से एक दिन पहले सुना करते थे। गुरु की सू गुरु की मूरत मन में ध्यान, प्रेम वाली गली विच कोई कोई लंघदा। गुरु की मूरत मन में ध्यान, प्रेम वाली गली कोई कोई लंघदा। नाम की महिमा पर अब कल आइयो रे, एक नाम बोवो बोवो। सो जैसे प्रेम से बीरा बीरा का संबंध है, उसी त्याग से वेरा का संबंध है। और वेरा के शब्द जो सुनते कबीर, आखी केरे मटू के पलो, पल गई बिहाई, मन जंजाल न छोड़ी, जम दिस दमाम आई। की मुनि ना तेरिया, पानी दिया बुलबुलिया, फरीदा गोर निमाने, वाज मरा दी, घर आ जा निघरिया। भाई गुरुदास जी की वारे भी कीर्तन में पढ़ी जाती थी। पहले वारे में गुरु नानक देव जी के प्रसंग की पौड़िया, 10वीं में भक्तों के प्रसंग, 12वीं में गुरु सिखों के जीवन, और कारनामे खास इस वारों की पौड़ी। हो तिस घोली धुमाइया, गुरमत रीद गरीब आवे, तुझे बख्शन हार आख दे, दात बख्श ले। लाहा कट के घर नू चलिया, आगे जाके सुख पावेगे, कित भल ना जाई ओ मन मेरिया, मोतिया दे मंदर देख के। बाबा जी उस बाणी का कीर्तन उच्चारण चाहते थे जो समय के अनुकूल हो और जिसके श्रोताओं के ध्यान में विद्या पढ़ने की संभावना न हो। उदाहरणत जब स्त्रियां भी कीर्तन सुनती हो तो ऐसे सब पढ़ना जिससे ध्यान स्त्रियों की ओर चला जाए पसंद नहीं करते थे। जब रागियों ने एक शब्द पढ़ा जिसमें तुक आती है, जो सह कट न लगिया, जलनू सी बाहडियान, तो उनको चेतावनी दी इस तरह, मोरी रुन झुन लाइया, भेना सावण आइया वाला शब्द नहीं पढ़ते थे। कहते थे हम कलयुग जीव है, ध्यान को ठीक से नहीं रख सकते। पूर्णमासी की खुशी के शब्द पढ़े जाते थे। आओ बाबा जी आए नू, हर जी आप दे मंदर विच आए, लग रहिया फुल जड़िया, हम घर सजन आए, साचे मेल मिलाए। जब कभी दीवान लगे और वर्षा हो जाए थे तो मियाँ छम छम बरसे जी, मियाँ छम छम बरसे जी, साजना लगी गुर नाल दोरी, फरीदा गलिये चिक्कड़, दूर घर नाल प्यारे नेहूं। पढ़ते थे बाबा जी, कीर्तन नहीं छोड़ते थे, कोशिश करते थे कि यात्रा में भी कीर्तन सुनते थे। एक बार
पत्तों की सेवा सवार होने के बाद राइडियो बदला कर फिरोजपुर वाले लाइन पर आना था। जब गाड़ी कोट राधिक्षण पहुंची तो सोदर का समय हो गया। बाबा जी ने कीर्तनियों को आदेश दिया कि गाड़ी में बैठ बैठ ही साज खोलो और सोदर लगाओ। वचन सुनकर साज तो खुल गए, पर जोड़ी के लिए आटा पास नहीं था। वे एक दूसरे की तरफ देखे। बाबा जी भी समझ गए और पूछा, क्या बात है? जी, आटा नहीं है भाई, अपना प्रबंध करके चलना था। अच्छा, फिर नहीं, बाबा जी की मर्जी तो बांध दो साच। गाड़ी चलते लगी थी कि स्टेशन के कर्मचारी में से बिना मांगे ही आटा ले आया, जिस पर कीर्तन आरंभ हो गया और गाड़ी में ही सोदर लगाने के बाद रहरास का पाठ हो गया। बाबा जी गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में कविताएं आदि पढ़ना पसंद नहीं करते थे। एक बार भाई छंगा सिंह सुंदर सिंह का जत्था कलेरी आया। उस समय डेरे का सिलसिला बहुत ही साधारण था। बाहर कीकरों के नीचे बाबा जी ने एक कुटिया जैसे अपने लिए और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के लिए बनाई हुई थी। छप्पर पर एक टिंग लगा रखा था ताकि वर्षा के समय वह चोहे नहीं, ताकि सदगुरु की देह की बेद भी न हो। जब रागी जत्ता दर्शन के लिए डर पर पहुंचा तो साय का समय था। उस समय कीर्तन का कोई पक्का कार्यक्रम नहीं होता था। जब अपने नियम अनुसार जत्ते के मुखी छंगा सिंह ने एक दो गुरुबानी के श्लोक बाहर प्रमाण देने और तुक्के पढ़ने शुरू की, तो उस समय बाबा जी ने कीर्तन बंद करने को इशारा किया और फरमाया कि गुरुबानी के अतिरिक्त और कुछ ना पढ़ा जाए। भाई चंदा सिंह, जो बाबा जी के दृष्टिकोण से अनजान थे, कहने लगे, अगर बाहर के प्रमाण न दे तो सत्य असत्य का निर्णय नहीं होता, और न ही बाहर के प्रमाण दिए बिना हमसे कीर्तन नहीं होता है। यह सुनकर बाबा जी कहने लगे, भाई हमें तो कोई फर्क नहीं, पर आप जो गुरु ग्रंथ साहिब साक्षात निरंकार बैठे हैं, उनका हुक्म है, सतगुरु बिन होर कुछ कची है बानी। हमने कीर्तन गुरु ग्रंथ साहिब जी को सुनाना है, इसलिए कम से कम सतगुरु को तो न कच्ची बानी सुनाए। बाहर की बानी वह है जो कि गुरु को छोड़कर किसी और के लिए न सुनाई जाए। अगर बानी गुरु जी की प्रशंसा में है, जिसके द्वारा गुरु जी का सम्मान विनती की जाती है, जो गुरु जी के चरणों के साथ प्यार पाती है, वह चाहे किसी की उच्चारी हो, वह सब स्वीकार है। इसलिए कोई अच्छी कविता गाए जिसमें गुरु से प्यार प्रकट हो। जो कोई सुनाए ती सुन लेते थे और दीवान में पढ़ते की आज्ञा भी देते थे। जैसे कि बाबा नरसिंह जी के दीवान में बैठे हर एक के लिए कीर्तन करना ही कठिन होता था, और उनके सामने कथा यानी कि भावशक्या करना भी बहुत कठिन होता था। पर एक प्रसंग मक्खन शाह लुबाने का, जो किशन महाराज संत सुजान सिंह जी कविता और कथा द्वारा पढ़ते थे, और वह प्रसंग और कथा कह कर सुनते थे। जब कभी भी सुनना होता तो कहते, चंगा सिंह, आज गुरु तेग बहादुर साहेब को आवाज लगा। तो महाराज जी ने समझ जाना और यह सारे प्रसंग कविताएं और कथा द्वारा सुनना। भाई छंगा सिंह को गुरुबानी इतनी आती नहीं थी। कीर्तन बंद हो गया। रहरास के पाठ के बाद वे आज्ञा लेकर चले गए। जगराव से रेल का टिकट ले लाहौर वापस जा रहे थे, पर जब लुधियाना से आगे गाड़ी चल पड़ी तो मन में एक विचार आई कि ऐसे इलाही नूर वाले
महात्मा के पास आए थे तो उनसे कुछ लेकर जाना चाहिए था। उनके आगे हम अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। मन में पछताव की धारणा ने इतना जोर डाला कि आगे जाने की बजाय जलधारा से ही वापस आ गए। धन गुरु नानक। फिर जगराव आए और लगने दिन 9 बजे के लगभग डेरे पर पहुंचकर आनंद विनती भेजी। उनकी नम्रता से मन के पवित्र परिवर्तन को अनुभव करते हुए अंतर्यामी बाबा जी ने उनको बहुत सम्मान और आदर दिया और सेवकों को हुक्म दिया कि रागी जत्थे को ले जाओ और इनके अच्छी तरह सेवा करो। तो जब शाम का दीवान सजा तो उन्होंने शुद्ध गुरुबाणी का कीर्तन किया, जिसको सुनकर बाबा जी बहुत प्रसन्न हुए और साथ ही फरमाया, भाई यह तो फकीरों सिलसिला है, कीर्तन ही आधार है। निर्लोक कीर्तन चाहे कोई 2 वर्ष करते जाए। भाई चंगा सिंह ने अपनी मजबूरी बताते हुए कहा कि जी हमारा बाहर जाने का विचार है, तो कहने लगे, हम बहुत प्रसन्न हैं। और जब कृपा के घर में बाबा जी को दोबारा देखा तो विनती की, जी हमें न छोटे साहिबजादों की शहीदी की कविता बनाई है, जो हमारे पास एक मोहफा है, पर यह प्रोग्राम कुछ और तरह का है। तो बाबा जी कहने लगे, कोई बात नहीं, शाम को सुनेंगे। तो यह वचन सुनकर रागी बहुत हैरान हुए कि अब कच्ची बानी कैसे पक्की बन जाएगी। डेरे के बाहर 200 गज की दूरी पर एक खुली जमीन पड़ी हुई थी। बाबा जी के हुक्म अनुसार वहाँ एक सरकड़ बिछाया गया और रहराय साहेब के पाठ के पश्चात दीवान सजाया गया। उनके मन में अपजे हुए शंक को दूर करने के लिए अंतर्यामी बाबा जी कहने लगे, भाई अब हम उस हजूरी से बाहर है, आपकी श्रद्धा और प्रेम देखकर हमें समय देना पड़ता है, अब सुनाओ क्या सुनाना चाहते हो। तो उन्होंने शहीदी शाखे का वर्तान सुनाकर समय बांध दिया। बाबा जी बहुत ही गदगद हुए और रागी जत्ते को बहुत खुशियाँ दी। कीर्तन के ढंग अपने अपने अलग अलग होते हैं, जो समय समय अनुसार बदलते रहते हैं। एक तो है तत्वी साजों के साथ बड़ी मध्यम मध्य सुन सुर में धीरे धीरे और अलग अलग करके उच्चारण। यह है जैसे रिम झिम करके वर्षा छोटी छोटी फुहारें पड़ती है। बहुत से लोगों का ध्यान तो इस तरह की कविता में शीघ्र लग जाता है। दूसरा है उस तरह का कीर्तन जो ऐसे हो जेते धड़ धड़ मूसलधार वर्षा हो रही है। धन गुरु नानक, धन बाबा नंद सिंह जी। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक।